बाल विद्या निकेतन मसौरी, हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में दसवीं कक्षा की सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। छात्रों, पाठ्यपुस्तक कृत का भाग दो में संकलित पाठ जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाम और रचनाकार का नाम कमलेश्वर, तो उसी पाठ की चर्चा हो रही थी, उसी का शेषांश हम लोग देखते हैं। तो कल चर्चा हो रही थी कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का भारत आगमन होने वाले हैं, इमारतों ने नाजीनों की तरह श्रृंगार किया, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, एक समस्या थी। वो क्या थी? वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो यहीं तक चर्चा हुई थी, अब आगे। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, यानी कथा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस नाक की दास्तान क्या है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त। एक समय था, यह नाक बहुत चर्चा का विषय है, आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था। इतना ही नहीं, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे, यानी सुर्खियों में यह समाचार था। बहस किस बात पर थी, ये प्रश्न उठना तो लाजमी है। तो बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, दो ग्रुप में लोग बढ़ जाते हैं, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में। तो वहाँ भी वही स्थिति थी, कुछ पक्ष में थे कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे, न्यूट्रल। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। अजायब घर यानी म्यूजियम, जादूघर। कहीं कहीं तो शाही लाटों, लाट कहते हैं मूर्ति स्टैचू, कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध होता रहा। यह युद्ध का एक प्रकार है, छुप करके लोगों की नज़रें बचा करके अपने कार्य को सफल करना।
उसी जमाने में यह हादसा हुआ, हादसा एक घटना घटी। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। क्या मतलब कि इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी और अचानक नाक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, इतनी सुरक्षा थी, गश्त लगती रही और लाट की नाक गायब चली गई। अब समस्या ये थी कि रानी आए और नाक ना हो, क्या प्रतिक्रिया होगी? तो एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों यानी जो शुभ चिंतक थे उनकी एक मीटिंग बुलाई। और मसला पेश किया गया कि भाई इस समस्या का समाधान क्या होगा। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। जॉर्ज पंचम की नाक नहीं तो हमारी नाक भी खत्म। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, विचार विमर्श हुए, अपनी अपनी राय लोगों ने रखी, दिमाग खरोचे गए और अंततः यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन शीघ्रति से जितनी जल्दी हो सके तुरंत दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, आर्टिस्ट तो था, पर जरा पैसे से लाचार था, पैसे की ओर बहुत जल्द आकर्षित होता था, उसे पैसा कमाना था। आते ही उसने स्थिति को भांप लिया, उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए, आंखें छलक पड़ी। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, ये कोई बड़ी समस्या नहीं, परंतु मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट यानी यह मूर्ति कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। इन बातों की जानकारी मिल जाए तो बस इस समस्या का समाधान तो चुटकी बजाते मैं कर दूंगा। सब हुक्कामों ने, जितने बड़े बड़े अधिकारी थे, एक दूसरे की तरफ देखा। एक की नजर ने दूसरे से कहा
कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं नहीं जानता, तुम बताओ। सबकी आंखें मानो एक दूसरे को देख रही। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम उसे सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पुरानी पुरानी फाइलें निकालेगी पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ हो। खता यानी भूल। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, यानी अब उससे कुछ पता लगाना मुश्किल है। अब बहुत सी फाइलें होती हैं, सब सरगल जाती हैं, उसमें क्या लिखा किसी को पता नहीं चला। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। अब क्या होगा? आशा की एक धुंधली किरण नजर आई थी, वो भी समाप्त हो। और समय बीतता जा रहा है। एक खास कमेटी बनाई गई। देख रहे किस तरह से जो हमारा आज देश है और वहाँ कोई भी घटना घटती है तो बस कमेटियाँ बनती हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। पूरा तंत्र उसी पर लगा हुआ है, जनता की चिंता किसी को नहीं। ड्यूटी शाम बरकरार रखने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी लोग, नेता लोग, उन्हें जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। तो एक खास कमेटी बनाई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आप कैसे करेंगे यह आपकी समस्या। हाँ, पैसे की चिंता नहीं करनी, वो तो पानी की तरह बह जाए, लेकिन काम होना चाहिए। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। समस्या का समाधान, वाह, वो बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हूं ना, डोंट वरी, क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए। और नेगेटिव वर्ड तो उसकी डिक्शनरी में है नहीं, सबके हाव भाव को समझ रहा था। उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। इतना कहना था। कमेटी के जो भी सदस्य थे उनकी जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं भाई? ये कौन सी समस्या? अरे आजकल तो हिंदुस्तान में सभी चीजें उपलब्ध हैं, बस पैसे की जरूरत है। हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है, जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए
मेहनत करनी हो, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। तो यह नाक की भी एक लंबी दास्तान है जो आप लोगों ने सुनी। धीरे धीरे कहानी खूबसूरत मोड़ की ओर बढ़ रही है और इसमें यहाँ तक जो पढ़ाई हुई तो कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। पहला प्रश्न ये है कि जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर किस बात पर बहस छिड़ी हुई थी। दूसरा है कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार क्यों नियुक्त किए गए थे, क्योंकि सबको पता था कि भाई इस तरह से नाक गायब हो रही है, हो सकता है कि जॉर्ज पंचम की नाक भी गायब कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम और उस जैसे अनेक लाटों की नाकें शानो शौकत के साथ उतार कर कहाँ पहुँचा दी गई। जॉर्ज पंचम और उनके जैसे बहुत से लाटें मूर्तियाँ थीं जिनकी नाकें शानो शौकत के साथ उतार करके पहुँचा दी गई, लेकिन कहाँ। चौथा है शाही लाटों की नाकों के लिए क्या होता रहा। पांचवा, लाटों का क्या अर्थ है। उसी तरह से और प्रश्न है, पहला है जॉर्ज पंचम की किस स्थान पर स्थित लाट की नाक गायब हुई थी। जॉर्ज पंचम की किस स्थान पर स्थित लाट की नाक गायब हुई थी। दूसरा है कि हिंदुस्तान अधिकारियों की परेशानी का क्या कारण था। इंडिया के जो भी अधिकारी थे उनकी परेशानी क्या थी, कारण क्या था। तीसरा, सरकारी तंत्र ने जॉर्ज पंचम की नाक के लिए क्या किया। चौथा, खैर ख्वाहों का क्या अर्थ है। पांचवा, दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया। फिर पहला प्रश्न है कि किन फाइलों की जांच की गई। दूसरा, क्लर्क ने कमेटी के सामने कांपते हुए क्या बयान दिया। तीसरा है, मूर्तिकार को क्या काम सौंपा गया। चौथा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं, यह कथन किसका है, यानी किसने कहा। और अंतिम प्रश्न पांचवा है, दारोमदार का क्या अर्थ है। तो ये तमाम प्रश्न हैं और इनके उत्तर आपको फेयर कॉपी में तैयार करने हैं और व्हाट्सएप पर भी भेजने हैं।
तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, धन्यवाद।